hello everyone and welcome to this online lecture series on elements of electrical engineering having subject code 3215 we have started unit number 6 protective devices and switchgear today is our lecture number 3 and in today's lecture we are going to discuss about fuse learning outcomes after watching this video student will be able to learn about definition of fuse construction of fuse principle of operation of fuse types of fuses function of fuse material used for fuse and application of fuse these are the topics which we are going to cover in today's lecture so first of all we will discuss about डेफिनेशन ऑफ फ्यूज अ फ्यूज इज अ कॉमन प्रोटेक्टिंग डिवाइस विच प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट करो फ्यूज का डेफिनेशन हम देखेंगे सो so, फ्यूज जो है वो एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है प्रोटेक्टिंग डिवाइस यानी वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम को क्या करता है प्रोटेक्ट करता है किसी किसी भी प्रकार की अनहोनी होने से वो बचाता है सो so, जो फ्यूज है वो एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को शॉर्ट सर्किट करंट के इफेक्ट से यानी शॉर्ट सर्किट करंट से जो भी इक्विपमेंट को डैमेज होगा या जो भी हानि होगी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को उससे वो क्या करता है फ्यूज जो है वो बचाता है सो so, नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूज सो so, फ्यूज के अलग अलग टाइप है तो ये आप जो डायग्राम में देख रहे हो ये एच आर सी फ्यूज है हाई रक्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज एच आर सी का फुल फॉर्म होता है हाई रक्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज सो फ्यूज जो होता है वो अलग अलग प्रकार अलग अलग जो प्रकार के फ्यूज होते हैं बट सभी का बेसिक कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल जो ऑपरेशन है वो सेम ही होता है सो एच आर सी फ्यूज में देखिए आप ये जो देख रहे हैं ये है फ्यूजिंग एलिमेंट इसी इससे ही क्या होता है कि करंट फ्लो होता है अब जब इससे करंट करंट जो है अपने लिमिट में होता है तब इस फ्यूजिंग एलिमेंट को कुछ नहीं होता बट जैसे ही करंट बढ़ता है वैसे क्या होता है फ्यूजिंग एलिमेंट जो है इसके मेल्टिंग पॉइंट होता है एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है लो होता है तो जैसे ही करंट ज्यादा मात्रा में फ्लो होता है तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस करंट को पहले ही ऑपोज करता है तो उसके कारण क्या होती है हीट डेवलप होती है और उस हीट के कारण ज्यादा करंट फ्लो होगा तो ज्यादा हीट डेवलप होगी और उसके कारण ये फ्यूज एलिमेंट क्या होता है मेल्ट होता है पिघल जाता है और सर्किट का जो कॉन्टेक्ट है यानी जो करंट फ्लो होने के लिए पात नहीं मिलता तो करंट रुक जाता है तो डैमेज होने से क्या होता है बच जाता है इक्विपमेंट अब इसके बाजू में आप देख रहे हो ये क्या है फिलिंग पाउडर ये फिलिंग पाउडर क्यों गिवन है फिलिंग पाउडर इसलिए गिवन है कि जब यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है तो ये हीट के कारण बाहर कुछ भी डैमेज ना हो ये फिलिंग पाउडर क्या करता है उस हीट को एब्सॉर्व कर लेता है ठीक है और ये जो है ये है फ्यूज लिंक यानी इससे आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम के कनेक्शन कर सकते हो अब ये जो है इसको हम कहेंगे आउटर एलिमेंट और एक कार्ट्रिज यानी क्या होता है कि जिसमें फिलिंग पाउडर फिल किया जाता है उसे हम कहते हैं कार्ट्रिज। सो एच आर सी फ्यूज मेनली कंसिस्ट ऑफ हीट रेजिस्टिंग सिरामिक बॉडी ठीक है द करंट कैरिंग एलिमेंट इज कॉम्पैक्टली सराउंडेड बाय द फिलिंग पाउडर ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है या फ्यूज एलिमेंट है इसके आजू बाजू में कॉम्पैक्ट वे में फिलिंग पाउडर भरा जाता है कॉम्पैक्ट वे में यानी दबा दबा कर फिलिंग पाउडर भरते हैं ताकि जहाँ पर जो भी हीट प्रोड्यूस हो वो जल्दी से ये फिलिंग पाउडर क्या करे एब्जॉर्ब करे फिलिंग मटेरियल एक्ट एक्ट एज अर्क क्वेंचिंग एंड कूलिंग मीडियम आर्क क्वेंचिंग यानी अगर कहीं हाँ, कभी यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और यहाँ पर एक आर्क आर्क प्रोड्यूस होता है तो वो आर्क को बुझाने का काम भी ये फिलिंग पाउडर करता है और ये फिलिंग पाउडर हीट भी करता है तो वो एज अ कूलिंग मीडियम भी काम करता है वेन फ्यूज एलिमेंट ग्लोज ऑफ ड्यू टू एक्सेसिव अंडर नॉर्मल कंडीशन ये जब ये फिलिंग जब ये फ्यूज एलिमेंट से बहुत ज्यादा मात्रा में हीट आ, हीट प्रोड्यूस होती है तब ये जो फूलिंग पाउडर है एज अ कूलिंग मीडियम क्या होता है एक्ट करता है नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ फ्यूज द ऑपरेशन ऑफ फ्यूज इज बेस्ड अपॉन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट सो जो फ्यूज है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ऑपरेट करता है इन नॉर्मल कंडीशन द करंट फ्लोइंग थ्रू द फ्यूज इज विद इन लिमिट जब सर्किट में सभी कंडीशंस नॉर्मल हो कहीं पे कुछ भी फॉल्ट नहीं है सर्किट से अगर शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो जो करंट है फ्यूज में से फ्लो होने वाला वो विद इन लिमिट होता है ठीक है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लो इन द फ्यूज एलिमेंट बट दिस हीट इज डिसेप्टेड वेरी क्विकली अब जो हीट फ्यूज एलिमेंट है उसमें से हीट फ्लो हो रही है उसके कारण थोड़ी मात्रा में जो है हीट प्रोड्यूस होगी बट ये हीट जो है वो जल्दी से ही डिसेपेट हो जाएगी यानी फिलिंग पाउडर उस हीट को जल्दी ही आ, ये कर लेगा अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा और उस हीट के कारण छोटी मात्रा में हीट प्रोड्यूस होने के कारण कुछ भी डैमेज नहीं होगा सर्किट को सो द फ्यूज एलिमेंट रिमेन्स एट रूम टेम्परेचर और जो फ्यूज एलिमेंट भी है उसी से, उसी से, से अगर लिमिट करंट फ्लो हो रहा है, तो वो भी अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर रूम टेम्परेचर पर रहेगा वेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज टू द फ्यूज एलिमेंट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस एंड फ्यूज एलिमेंट मिल्ट बट जब सर्किट में पॉल्ट आता है या शॉर्ट सर्किट करंट सर्किट से जब फ्लो होने लगता है तो और करंट जब फ्यूज एलिमेंट से एक्सेसिव करंट यानी बहुत ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो होने लगेगा तो क्या होगा हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी और हीट ज्यादा प्रोड्यूस होने के कारण जो फ्यूज एलिमेंट है वो क्या होगा मेल्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्यूज रिस्पॉन्स टू फॉलोइंग फॉल्ट शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एंड फ्लो ऑफ हाई मैग्नेटिव करंट अब ये जो फ्यूज एलिमेंट है वो किस Uh, किसको को रिस्पॉन्स करेगा यानी कौन से अगर उसमें से शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होता है फिर भी वो क्या होगा मेल्ट होगा और इसमें से अगर बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत ही ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो हो रहा है फिर भी वो फ्यूज एलिमेंट क्या होगा ब्लो होगा यानी मेल्ट होगा पिघल जाएगा अगर उससे ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो होता है तो नेक्स्ट अलग अलग प्रकार के मार्केट में अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन अलग अलग प्रकार के फ्यूजेस अवेलेबल होते हैं तो फर्स्ट है रिवाइरेबल फ्यूज एच आर सी फ्यूज हाई ऑप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज कार्टरेज टाइप फ्यूज डी टाइप कार्टरेज फ्यूज लिंक टाइप फ्यूज ब्लेड ब्लेड एंड बोल्टेड टाइप फ्यूज स्ट्राइकर टाइप फ्यूज स्विच टाइप फ्यूज एंड हाई वोल्टेज फ्यूज दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजेस विच आर यूज अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन नेक्स्ट फंक्शन ऑफ फ्यूज फ्यूज का क्या फंक्शन है टू ब्रेक द सर्किट अंडर फॉल्ट कंडीशन जब सर्किट में किसी भी प्रकार का फॉल्ट आता है तो करंट फ्लो को रोकना ताकि बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में फॉल्ट ना हो टू प्रोवाइड ओवर करंट प्रोटेक्शन टू द सर्किट अगर सर्किट में बहुत ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो हो रहा है तो सर्किट को डैमेज होने से बचाने का काम भी कौन करता है फ्यूज टू प्रोवाइड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन टू द सर्किट शॉर्ट सर्किट करंट अगर सर्किट में से फ्लो हो रहा है तो उससे भी फ्यूज क्या करता है सर्किट को बचाता है टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द यूजर्स टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द यूजर्स जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इक्विपमेंट पर या नेटवर्क पर इलेक्ट्रिक नेटवर्क पर तो उसको क्या करता है उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम भी फ्यूज करता है अगर फ्यूज टाइम पर ऑफ हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा और जो पर्सन उस पे काम कर रहे हैं सिस्टम पे काम कर रहे हैं उनको शॉक नहीं लगेगा और जिसके कारण उनको क्या होगा उनकी लाइफ बच जाएगी नेक्स्ट है जो फ्यूज एलिमेंट है वो कैसा किस किस मटेरियल से बना हुआ होना चाहिए फ्यूज एलिमेंट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होना चाहिए कम होना चाहिए क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट अगर रहा फ्यूजिंग एलिमेंट का तो बहुत डैमेज हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा वो फ्यूज एलिमेंट मेल्ट होगा तो वो ऐसा नहीं चाहिए फ्यूज एलिमेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एकदम कम भी नहीं चाहिए बट वो प्रॉपर उसका मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए सो फ्यूज एलिमेंट किस किस से बना होता है टेन से लीड से जिंक से सिल्वर से कॉपर से और एल्यूमिनियम से फ्यूज एलिमेंट बना होता है नेक्स्ट हम देखेंगे अप्लीकेशन ऑफ फ्यूज सो अप्लीकेशन ऑफ फ्यूज क्या है टू प्रोवाइड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए हम फ्यूज को यूज करते हैं और टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ अप्लायसेस हमारे घर में बहुत से अप्लायसेज होते हैं जिनका प्रोटेक्शन क्योंकि वो कॉस्टली होते हैं और उनका प्रोटेक्शन हमें करने के लिए हम फ्यूज का यूज करते हैं ताकि क्या हो कि कुछ फॉल्ट भी अगर सर्किट में पाया जाए तो फ्यूज जल्दी से मेल्ट होकर या फ्यूज ऑपरेट होकर उस करंट को आगे बढ़ने से उस अप्लायंस में आने से रोके और जो डैमेज हो, हो रहा है अप्लायसेस का वो उससे भी बचाए सो फ्यूज जो है वो एक प्रकार का प्रोटेक्टिंग डिवाइस एज अ प्रोटेक्टिंग डिवाइस क्या करता है काम करता है वो सिस्टम को डैमेज होने से बचाता है सो इन टूडेज वीडियो वी लर्न अबाउट डेफिनेशन ऑफ फ्यूज कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूज प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन टाइप्स ऑफ फ्यूजेस Function of fuse, material used for fuse and application of fuse. These are the PO's map for today's session. Thank you and keep learning.